अयोध्या जनपद के जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना वायरस से बचने के लिए डॉक्टर्स, नर्स या किसी भी कर्मी को मास्क एवं किसी तरह की किट उपलब्ध नहीं कराई है। इसी संदर्भ में डॉक्टर धर्मेंद्र राव से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा मास्क उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ऐसे तमाम डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना से कोई भय नहीं है। जब डॉक्टर ही ऐसा कह रहे हैं, कैसे कहा जाए कि मरीज को इसका डर है या नहीं। वहीं अधिकांश लोग बगैर मास्क लगाए हुए नजर आए, जिससे साफ जाहिर होता है कि लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश सरकार ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों पर कितनी मेहरबान होती है और किस तरह की कार्रवाई करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ में आदरणीय प्रोफेसर राज रेड्डी जी हैं, आपने यहाँ आयोजन किया है अतिरात्र सोम यज्ञ का। यज्ञ जो है बहुत प्राचीन वैदिक परंपरा है और अयोध्या में सोम यज्ञ, अतिरात्र यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ राजा दशरथ जी ने किया था। तो ऐसे पवित्र स्थान पर जब पूरे देश में पूरे विश्व की कल्याण और शांति के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर किया जाएगा? ये उदासीन संगत के जो स्थान है, जो सरोवर है उसके अंदर, जहाँ से प्रभु श्री राम ने माता सीता जी ने भैया लखनलाल जी स्नान करने के बाद राजसी ठाटवाट त्याग करके और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बाना पहना था, उस सरोवर के तट पर इस यज्ञ को उदासीन संगत में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो सुविधा मुहैया कराई है हम लोगों के लिए, फिलहाल तो ये है कि सैनिटाइज़र उपलब्ध कराए गए थे, हम लोगों के लिए साबुन उपलब्ध कराया गया था और हम लोगों के लिए ज़रूरी मास्क उपलब्ध कराए गए थे। अभी N95 मास्क हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह है कि सर्जिकल मास्क उपलब्ध है हम लोग के पास। ये है कि हम लोग वार्ड में और वो जो लग रहा है कि जिन मरीज से संभावना है संक्रमित हो सकते हैं या होंगे, उनसे हम लोग दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये रहता है कि उनसे हम लोग ज़रूरी बचाव के तहत उनसे बात मुलाकात करते हैं। यानी मास्क जो अभी हमको कोई मास्क नहीं मिला है, अभी हमको कोई मास्क अस्पताल की तरफ से N95 मास्क उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्या लगता है कि आपको डर है, कोरोना है ना? अब कोरोना का डर तो सभी को है, कोरोना से भयभीत तो सभी हैं, है ना? लेकिन यह है कि हम लोग ज़रूरी एहतियात बरतते हैं कि जिन मरीज़ों में संभावना दिखती है उन मरीज़ों से हम लोग उस एहतियात के तहत उससे बात मुलाकात जांच पड़ताल इलाज करते हैं। अब यह है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने पर बचना है, लेकिन चूंकि हम खुद ही भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं तो हम कहाँ बचेंगे? क्या नाम? धर्मेंद्र, डॉक्टर धर्मेंद्र राव, मैं यहाँ आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। थैंक यू।